नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। और झारखंड में अभी हम जमशेदपुर में है। अब आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो है एक महान व्यक्ति के स्वर्गवास पर पूरा देश शोकाकुल हो गया था। वो थे श्री रतन जी टाटा, और उन्होंने जिनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया, जमशेद जी टाटा उन्हीं के नगर में है, उन्हीं का बसाया हुआ नगर है। लेकिन ये उसके साथ साथ जो है वो झारखंड राज्य का हिस्सा है, और झारखंड में है झारखंड में जो है वो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और चुनाव को लेकर सारे लोग जिस तरह से जागरूक हैं, जमशेदपुर के लोग भी जागरूक हैं, और यहाँ की जो पूर्वी सीट है वहां पर मुकाबला जो है ना वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रघुवर दास जी, उनकी बहू ने यहाँ से दावेदारी प्रस्तुत की है, पूर्णिमा दास ने, और उनके विरोध में कांग्रेस से, क्योंकि ये बीजेपी से है, बीजेपी की सीट से लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, रघुवर दास जी, उनकी बहू इस बार दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, तो उनकी क्या पकड़ होगी, उन्होंने क्या वादे किए हैं जनता के साथ, और जनता को उनसे कितनी उम्मीद है। और उसके अलावा पिछले 5 साल जो बीते हैं यहाँ पर झारखंड में, उसको लेकर जमशेदपुर वासियों का क्या कहना है, क्योंकि पूरे 5 साल का हिसाब लगाकर ही जनता वोट देगी। तो इन सारे बातों का हिसाब किताब का हम लोग जो है ओपिनियन लेंगे जनता से, और इन सब पर चर्चा करें, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं, घुमाते हैं आपको जमशेदपुर, और दिखाते हैं कि यहाँ की जनता क्या राय रखती है। आइए, तो जमशेदपुर के लोगों से आज हम घूम घूम कर यही जानेंगे कि यहाँ पर कितना काम हुआ, यहाँ पर सरकार की कितनी बातें पहुंची, और यहाँ पर लोगों के आखिर कौन से मांगे पूरी हुई और कौन से बातें अभी अधूरी है। भैया, आप कहाँ के हैं ये बताइए? जमशेदपुर। जमशेदपुर के हैं, कब से रह रहे हैं? हो गया कम से कम 30-35 साल। 30-35 साल हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी 5 साल, पिछले 5 साल जो हेमंत सोरेन की सरकार रही, वो कैसी सरकार रही? लोगों के लिए कितना काम हुआ जमशेदपुर वालों के लिए? जमशेदपुर वालों के लिए काम नहीं हुआ है, क्योंकि टाटा कंपनी तो पूरा काम कर ही देती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपको नॉलेज है कि जितने भी जनप्रतिनिधि है, हाँ, तो वो कोई फंड यहाँ यूज नहीं करते। कोई फंड यूज नहीं करते। हाँ, मान के चलिए कि टाटा कंपनी का सारा काम यही होता है। टाटा कंपनी का सारा काम होता है यहाँ पे, लेकिन सरकार को वोट तो यहाँ के भी लोग देते हैं। सबको देते हैं, जिस तरह सुविधा मिलना चाहिए जनता को उस तरह का नहीं मिलता है। जितना जिस तरह का वोट जो है बाकी लोग देते हैं, उतना ही वोट तो आप लोग भी देते हैं। देते हैं ना जी? देते हैं। देखिए, जन अधिकार हम लोग का, ये वोट देने तो देते हैं। हाँ। लेकिन जो सरकार से काम होना चाहिए उससे सब होता नहीं है। नहीं होता है, नहीं होता है। सरकार पे बड़ा भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता है कि सरकार के जितने नेता मंत्री हैं सबके पास नोट का बंडल निकलते रहता है, बोड़ी का बोड़ी निकलता है, लेकिन जनता का काम नहीं होता। अगर ईमानदारी जरा से भी रहेगा तब आपका काम होगा। ईमानदारी नहीं है तो भ्रष्टाचारी तो हर तरफ रहेगा। ईमानदारी इंसान को बरतना चाहिए। सही, 5 साल में जमशेदपुर वालों को मिला कि नहीं? भैया ये बताइए, जमशेदपुर वालों को काम हुआ कि नहीं? क्या काम हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। नेता गाड़ी बोलो, पैसा पूरा फूल है, पैसा फूल है। हाँ, बना बस पैसा फूल अपना कर रहा है। गाड़ी चल रहा है? हाँ। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, उसका कितना गाड़ी चल रहा है? 108 चल रहा है, 104 चल रहा है, कुछ नहीं। कुछ कहाँ, कुछ जाइए हॉस्पिटल में देखिए ना, आदमी मर रहा है, कुत्ता सो रहा बेड में, ऐसा स्थिति है। हम तो खुशी है कि बिहार से आए हैं झारखंड। हाँ। देख, बहुत खुशी लगा हमको। बाबा, आप बिहार से आई हैं? बिहार का, बहुत सारे बिहारी यहाँ पे बसे हुए हैं। बिहार का है, यहाँ रहते हैं। इतने सारे बिहार के नेता यहाँ के चुनाव लड़ते हैं। वही तो, चुनाव लेते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं। फायदा कुछ नहीं, तो बिहारी लोग का फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। सही में यहाँ पे काम नहीं होता है क्या? कह रहे हैं कि सारा काम तो टाटा कंपनी कर देती है, तो सारा तो सरकार का भी तो काम है काम करना। हाँ, काम है, लेकिन कहाँ होता है? वोट जैसे बाकी जगह के लोग देते हैं, बाकी जिले के लोग देते हैं, वैसे यहाँ टाटा नगर के भी तो लोग देते हैं। देते हैं ना, यही लोग आते हैं। काम क्यों नहीं होता है? काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। उतना नहीं हुआ है ना? आप कहाँ पढ़ते बेटा? अलकबीर में। अलकबीर में? हाँ। अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ। सरकारी संस्था है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है, प्राइवेट है। सेमी गवर्नमेंट है? सेमी गवर्नमेंट है। हाँ। तो ये बताइए बेटा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? हाँ, यहाँ पे अच्छी है। अच्छी है। हाँ। अच्छा, आप लोग अब बड़े भी हो रहे हैं, तो ये भी देख रहे होंगे कि नौकरी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर। अगर मान लिया जाए कि हमको नौकरी करना है, तो नौकरी की कितनी व्यवस्था है, कितनी नौकरियाँ सरकार हर साल दे रही है, तो ये सब देखते हैं जब, तो कैसा लगता है? बढ़िया नौकरी का मिल रहा है? बढ़िया नौकरी नहीं मिले, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा ही, जो बोलना सच है। अगर मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मेहनत तो करना ही चाहिए। हाँ। है कि नहीं? आप लोगों की और क्या मांग है? हम लोग की क्या मांग है? अगर आप लोग अपने जिले में और क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पे तो सब कुछ तो प्रोवाइड है ही। हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी अगर प्लेसमेंट का थोड़ा हम लोग को और मिल जाता तो फायदा होता। प्लेसमेंट और होना चाहिए, है ना? क्या भैया, और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होना चाहिए लोगों के लिए, ट्रैफिक
सही होना रूल होना चाहिए। ये इतना फाइन कट रहा है वो नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक वाला फाइन खूब हो रहा है, फाइन बहुत हो रहा है। अच्छा। चुनाव काफी मजेदार चुनाव, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि काफी टफ फाइट है यहाँ। लेकिन हम उम्मीद करेंगे, आशा है कि यहाँ पर हेमंत जी विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा अच्छा, देखिए कि यहाँ पर जो है वो जैसा कि भैया ने कहा ना कि सबके अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ लोग ट्रैफिक में भी बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो अलग अलग मुद्दों पे। भैया ये बताइए कि आप लोगों के लिए इस बार कौन से मुद्दे पर जो है वो सरकार को समर्थन करेंगे या सरकार का विरोध करेंगे? इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास ही मुद्दा है। हाँ। और कोई मुद्दा नहीं है। अभी एक भैया मिले हमको, वो कह रहे हैं कि ये जो है टाटा नगरी है और टाटा कंपनी के अलावा सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता। सरकार को लगता है कि टाटा कंपनी तो संभाल ही लेगी, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फंड यूज नहीं करते हैं यहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं है, सरकार का बहुत सारा काम होता है। हाँ। चूँकि ये टाटा कंपनी यहाँ पर बहुत दिन से है तो लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार थी उस कालखंड में यहाँ जितना विकास हुआ है वो अभूतपूर्व है। ठीक है। और आज जब सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है तो उस लिहाजा से देखा जाए तो इस शहर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो बिहार से हूँ। अरे वाह वाह, हम भी बिहार से हैं। अच्छा है ना। हाँ। तो ये बताइए कि बिहार से यहाँ कितने साल से रह रही हैं? करीब 50 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 55। अरे बाप रे। तो ये बताइए कि ये अब जो ये जिला है अब तो ये अपना सा लगता होगा, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। आधा से ज्यादा उम्र यहाँ बिता दिए, है ना? हाँ। कैसा यहाँ पे सरकार किस तरह से विकास कर रही है? 5 साल में 5 साल में विकास की है यहाँ पे, काम की है। ज्यादातर काम तो यहाँ पे टाटा का ही रहता है। क्या? ज्यादातर काम तो यहाँ पे टाटा का ही रहता है। हाँ। तो सरकार यहाँ पे ध्यान देती है कि नहीं, काम करती है कि नहीं? देती है, देती है। फिर तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरफेयर होने से थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरफेयर की तो और अच्छा होना चाहिए था ना। यही तो है, इसमें राशन राशन का लग जाता है ना, तो समझ जाइए आप क्या होता है। यहाँ के लोगों का जो है वो कौन सा काम हुआ और कौन सा काम अभी भी अधूरा है जो नहीं हो पाया, जिस पर किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया? हमको पता भी नहीं पता है। 5 साल में बदला की नहीं बदला, ये क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पे बदलाव देख रहे हो। बदलाव तो बहुत हो रहा है, हो भी गया है, सब चकाचक चल ही रहा है। बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये रफ्तार बनी रहनी चाहिए, है ना? कोई भी सरकार है, बिल्कुल सही बात है। विकास के मार्ग पे जो है वो कोई भी जिला जब आगे बढ़ता है तो जरूरत यही रहती है कि उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास भी हमेशा जारी रहे। चलिए हम लोग यहाँ से मार्केट के अंदर चलते हैं, और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है क्योंकि लोगों की वैरायटी आपको दिखानी है, ये दिखाना है कि लोग जो है वो कितना अलग अलग सोच रखते हैं। तो इस भीड़ को चीरते हुए हम अंदर जाएंगे। आइए भैया, कैसे हैं? कैसे हैं भैया? 150 में जोड़ा। कैसे हैं आप ये बताइए? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि 150 में जोड़ा बेच रहे हैं, अभी बड़ा रिजनेबल प्राइस है ये, है ना? अभी जो है नेता भी बड़ा ऑफर दे रहे हैं, है ना? हाँ। कि हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन 5 साल पहले का थोड़ा सा याद करिए, अपने याददाश्त पर जोर डालिए, जरा याद करिए कि 5 साल पहले जो नेता वादा किए थे वो पूरा किए कि नहीं? नहीं नहीं किए, नहीं एक भी पूरा नहीं, 99.9%। अरे बाप रे, तो बहुत गंदा रिव्यू है। रिव्यू क्या, जो रियल है वो बोल रहा हूँ, आई टॉक टू रियल। यस, एकदम पूरा नहीं किया, बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है भैया? जो बोल रहे बस सही बोल रहे हैं। हाँ। थोड़ी हो जाता है, क्या कहते हैं भैया, आरोप में कितनी सच्चाई रहती है? नेता पे जो आरोप लगता है, आप यहाँ झारखंड में नेता के यहाँ जो पैसा मिलना शुरू होता है तो मशीन खराब हो जाता है लेकिन पैसा बंद नहीं होता। सच्चाई रहती है उसमें, रहती है सच्चाई, सच्चाई रहती है। आपके मुख्यमंत्री कैसे हैं? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं, ठीक है, पेंशन दे रहा है। देखिए कह रहे हैं कि पेंशन उनको कब मिल रहा है? पेंशन का पैसा रोक के तो मैया योजना में दे दिया 4 महीना। जो पढ़ा लिखा उससे बात कीजिए ना। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, नॉट अनक्वालिफाइड। और अपने को जो रियल है वो बोलो। हाँ। भाई हमको बोलने का अधिकार है ना, फ्रीडम है ना, बोलना चाहिए एकदम। जो सरकार मतलब हमको किसी से दुश्मनी नहीं, जो रियल है वो बोल रहा हूँ। 5 किलो राशन से या जो थैला बांट के पोली होता है, अबुआ योजना में कितना घर दे दिया बता दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात है ये बात सिर्फ घर की और बात सिर्फ अनाज की नहीं है। ये बताइए केंद्र सरकार जो योजना बनाती है, जो लोग काम करती है, उन सबका फायदा आप लोग तक पहुंचता है? जी पहुंचता है, फायदा पहुंचता है। यहाँ पे काम वाम हुआ है टाटा नगर में? टाटा नगर में काम हुआ, पूर्वी सिमरन में काम हुआ है। क्या भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि बाहर ढेर सारा वॉलेट रखे हुए हैं, है ना? बहुत कम रखे हुए हैं, ढेर नहीं है। ढेर कहाँ, इसको ढेर बोलिएगा। हम लोग पास पूंजी नहीं है, हम लोग बस थोड़ा सा माल बेच रहे हैं। अभी नेता उधर हाँ। बोल बोल नहीं करिएगा, नहीं तो सब भर भर के पैसा दे देंगे। ले लेंगे, है ना? हम लोग दे भी देंगे, क्या करेंगे।
लगा ये सब दे देंगे उसको। हाँ बताइए, ये नेता लोग जो है ये आजकल जो है बड़ा लंबा लंबा वादा कर रहे हैं ना। तभी एक और भैया से पूछ रहे, अभी फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि पाँच साल पहले जो बोले थे वो किए कि नहीं? पाँच साल बोले अभी कहाँ कर रहे हैं, अभी तो शुरू फिर इलेक्शन होगा, देखिए इलेक्शन बस क्या करते हैं। तो पाँच साल पहले भी वादा किए होंगे ना जी, जमाई कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ कुछ किए हैं, सब तो आप सामने आपका अभी जो देख रहे हैं क्या किए, कुछ नहीं किए। अब अभी इलेक्शन के बाद देखिए क्या करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी एक योजना बहुत ज्यादा चल रहा है, मैया सम्मान योजना है ना, चल रहा है आप लोग के यहाँ घर में? हाँ हाँ बढ़ रहा है सबका, बट हर महीना भेज रहा है पैसा। क्या भाई आप लोग के औरत लोग को मिला है? जी बहुत कुछ, नहीं नहीं आइए, बहुत लोगों को मिला है। आपको क्या मिला कि नहीं? बहुत लोगों को तो कहने कहने का बहुत मैया योजना बहुतों को देखा है। हाँ मैया योजना मिल रहा है सबको, ऐसा बात जिसका जिसका फॉर्म भरा मिल रहा है। हाँ मिल, हर महीने दे रहा है। आपके यहाँ मिला? हम लोग यहाँ मिल रहा है। अब महिलाओं के लिए कैसा माहौल है झारखंड में, बढ़िया सेफ्टी माहौल है जी? अभी हम झारखंड में भी जल्दी आए हैं। हाँ नया नया है, कितना साल हुआ अभी आए हुए? छह महीना हुआ। ओ छह महीने, तो झारखंड कैसा लग रहा है ये बताइए? अभी तो घूमे नहीं, अभी घूमे नहीं है। आप लोग के लिए कैसा माहौल है महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि हम लोग आते हैं कि महिलाओं के लिए जैसा माहौल है तो समझिए कि वो उतना अच्छा है वो राज्य या वो शहर। तो आप लोगों के लिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छा है, बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं? बच्चियों के लिए, यंग बच्चियों के लिए कैसा माहौल है यहाँ पर? सब ठीक है, ठीक है ना, है ना जी। अच्छा ये बताइए कि पढ़ाई वढ़ाई किए कि नहीं? पढ़ाई किए हैं, किए हैं जी। तो ये बताइए कि यंग लड़कों के लिए नौकरी वोकरी की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? नौकरी कहाँ मिलता है मैडम? नहीं मिलता, नहीं मिलता नौकरी, यहाँ बिजनेस में ही आना पड़ता है। झारखंड सरकार कुछ काम नहीं कर रही? नहीं नहीं कोई काम नहीं कर रही, नौकरी के लिए हम लोग के लिए तो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, बाकी का पता नहीं। आप लोग को दीदी राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है आपका? हाँ, बना हुआ है। अभी जिनका जिनका राशन कार्ड है उनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आप लोग बनवाए? नहीं हम नहीं बनवाए, बना ही नहीं, बना ही नहीं कि अभी नहीं करवाए हैं? नहीं अभी बनवाए हैं। कहाँ से आया बेटा? नौ नंबर से। अच्छा तो ये बताइए, इधर इधर आइए, ये बताइए कि यहाँ पे क्या खरीदने आए हैं? यहाँ फ्री, मेरी मम्मी कपड़ा लेने आई है। कपड़ा लेने आई है, कैसा माहौल है आप लोगों के लिए? स्कूल वगैरह जाती हैं तो कैसा लगता है, एनवायरमेंट अच्छा है यहाँ का? अच्छा है। अच्छा है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ। आप लोग के बेटा स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ बहुत अच्छी है ना। और क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे हैं? हाँ। वाह वाह बहुत बढ़िया पढ़ाई। आप लोग के लिए कैसा माहौल है? हम लोग के लिए भी तो ठीक अच्छा है, ठीक है, हाँ। है ना? अच्छा माहौल है, काम वाम हो रहा है? हाँ काम तो प्रोग्रेस पर ही है। चलिए आइए इधर बतियाते हैं जरा, बहुत सारा बात किए होंगे, बहुत सारा वादा किए होंगे, वो सारा वादा निभाए? देखिए निभाने के लिए झारखंड सरकार जो भी है, पिछला बीजेपी सरकार से तो अच्छा निभा है, इसमें दो राय नहीं है। दरअसल में कुछ चीज उतरा है, बट आगे और फ्यूचर अच्छा हो तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा आए, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस। जिसके पास तक जब तक नोट नहीं मिलता है जिस नेता के पास तक, तब तक वो ईमानदार नेता, गरीबों के मसीहा, गरीबों के तारनहार रहते हैं। बात सही है। जब नोट निकल जाता है, जब नोट निकल जाता है मन का भावना बदल जाता है। थोड़ा सा काम दिखा करके बहुत सारे पैसा ले करके ठेकेदार से सांठ गांठ करके पैसा का जब भरमार हो जाता है, वो लोग भी मटिया देते हैं जनता का काम करने के लिए। तो देखिए कि समस्या के साथ जो है ये लगे रहे, और जब तक समस्या दूर नहीं हो गई तब तक उस पर काम करते रहे। वैसा ही क्या भैया यही रहते हैं आप? नहीं, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं रहती है? हमें यहाँ है ही नहीं, हमको पता ही नहीं कुछ। तो ये है लट्ठो और हम है साक्षी मार्केट में, यहाँ पर घूम भी रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो इलेक्शन के पहले तैयार हैं कि वोट भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्या क्या काम हुआ। तुम लोग कहाँ पढ़ती हो? इस कॉलेज में। कॉलेज में तो अभी वो सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है, कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा ये बताओ बेटा कि लड़कियों के लिए यहाँ पर सेफ्टी का कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है मैम, अच्छा माहौल, अच्छा माहौल है। मतलब अगर मान लेते 8 बजे 9 बजे बच्चियाँ घर से बाहर निकलना चाहे तो सेफ है? सेफ है ना। यस मैम। अच्छा ये बताओ बेटा तुमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं? है मैम। अभी तुम 18 साल की हो गई हो? हो गए मैम। हो गए हैं, अरे वाह वाह वाह। तो वोट भी दोगी इस बार? यस मैम। अच्छा तो ये बताओ कि तुम नेता का चुनाव कैसे करती हो, क्या सोच के करती हो?
मैम हम ये सोच के करते हैं कि नेता मतलब जो भी बने वो मतलब सबके लिए भला करे वो हाँ। हम लोग के लिए, बच्चों के लिए, लड़की, और अभी जो बहुत सारे जैसे अभी घटना हो रहा है वो सब कम करे। बिल्कुल सही कह रही हो, महिलाओं को लेके बहुत बहुत अजीब अजीब घटना अभी हाँ। थोड़ा दिन पहले जो कोलकाता में हुआ था वो सब मतलब अब खत्म हो जाए, है ना। ऐसा नेता हो जो ये सब चीज रोक दे, है ना। यस मैम, बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारी, और कहा जाए कि ये बहुत सुंदर सोच है। देखिए महिलाओं की सोच ऐसी ही होनी चाहिए, और इन्होंने एक बहुत सुंदर तरीका सोचा है अपने नेता के चुनाव का। आइए हम लोग और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं चाचा जी? हम बम्बई से हैं। वाह वाह वाह। ये बताइए कि 5 साल में यहाँ पे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन काम की है? हाँ। काम की है यहाँ पर? हम नहीं, यहाँ रह भी करते हैं। रह भी नहीं करते हैं? यहाँ नहीं रहते हैं। झारखंड में रहते हैं ना? नहीं, हम बम्बई में रहते हैं। अरे बाप रे, बम्बई में क्या करते हैं? वहाँ से हम आए यहाँ टहलने के लिए। टहलने के लिए उतना दूर से यहाँ आ गए? तब कितना दूर टहल गए महाराज? बम्बई तो बहुत दूर है, कहाँ टहलते टहलते इतना दूर आ गए, है ना। अच्छा, ऐसा टहलने का आदत रहा तो कोई आदमी मोटा नहीं होगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए? हम बिहार से आए। बिहार से हैं? तो बिहार से यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मार्केट आए। ओ, अच्छा। ओ, तो कैसा लगा शहर? कैसा लगा? अच्छा 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 लगा, है ना। आप लोग कहाँ से हैं? मैं, हम तो अभी बाहर से आए। बाहर से आए? ओ चलिए, बहुत बाहर से आए हैं। बहुत सारे बाहर के लोग आए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, राज्य एक ही है भाई, तो बाहर के लोग भी आ रहे हैं। और बाहरी लोगों के लिए भी कैसी व्यवस्था है ये भी जरूरी है कि नहीं, कि बाहरी लोगों के लिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? आइए थोड़ा। अरे बाबू ने क्या करा है? बाबू सोना से बात कराने वाला, बाबू से बात कराने वाला ही, जो नहीं लेगा बाबू से झगड़ा होगा, बाबू का कसब। मेरा बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू ने क्या करा है? बाबू वही बाबू का। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो आप जो कह रहे हैं कि बाबू से झगड़ा हो जाएगा ये अगर नहीं, जो नहीं लेगा तो उसका बाबू से झगड़ा हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा तरीका आपने ढूंढा है इसको बेचने का। थैंक यू, है ना। ऐसे ही अलग अलग तरीका से नेता भी अपना स्कीम बेच देते हैं। जरूर जरूर, है ना जी। ये बताइए कि आप यहाँ के लोकल ही हैं? जी लोकल है। कैसा व्यवस्था है यहाँ पर आप लोगों के लिए? सरकार ने कितना काम किया आप लोगों के लिए? सरकार कहाँ काम किया है, सरकार कोई काम नहीं किया है। सरकार भी अपने बाबू के साथ बिजी नहीं है? बिजी है। पता चले सरकार भी बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया? बाबू नहीं थाया उनका, सरकार का बाबू थाना थाता तो फिर यहाँ थोड़ी रहता। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। गवर्नमेंट से खुश हैं? वोट तो आप भी डालते होंगे? हाँ डालते हैं कि डालते? जरूर डालते हैं, वोट तो हमारा अधिकार है। हाँ, वोट डालते हैं। हाँ, तो वोट डालने से पहले कुछ तो जरूर सोचते होंगे, 100 ग्राम 50 ग्राम? बिल्कुल सोचते हैं। हाँ, 100 ग्राम सोचते हैं। ये सोचते हैं कि समझ जाना कि हमारे जनता है, हमारे जमशेदपुर का समझ जाना जो माहौल है समझ जाना बिगड़े नहीं। हाँ। और कौन कैंडिडेट किस हिसाब से लेके चलता है, क्या मेंटेलिटी, कितना एजुकेशन है जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। हाँ। उस हिसाब से समझ जाना हम लोग वोट डालते हैं। तो इस बार पूर्वी पश्चिम मिला के 4-5 कैंडिडेट हैं, बहुत लोग निर्दलीय भी हैं। जी है ना? हाँ। तो वो सब कैंडिडेट को देख के क्या लग रहा है, सही कैंडिडेट इस बार आए हैं पाले में? देखिए ऐसा तो लग रहा है डॉक्टर मिस्टर अजय कुमार समझ जाना वेल कैंडिडेट है, समझ जाना। हाँ समझ, इसमें नो डाउट। हाँ मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है, समझ गया ना। वो जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। क्या हो गया? गली गली में पानी नहीं है, रोड नहीं बना हुआ है सही, कुछ विकास कहाँ हो रहा है? पानी की समस्या यहाँ भी है क्या भैया? क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, टिस्को पूरा मेंटेन कर रही है। और सरकार वोट तो यहाँ के लोग भी देते हैं। तो सरकार तो अपने प्राइवेट एरिया में दे ही रही है पानी, बिरसा नगर वगैरह में पानी दे ही रही है। बीजेपी के कार्यकाल में थोड़ा ज्यादा कार्यकाल काम हुआ उनके कार्यकाल में। इनके बीजेपी पहले से एक बहू आई है, बार बार परिवारवाद परिवारवाद होता है, तो फिर से ये परिवारवाद को लेके उन पर सवाल उठ रहा है कि तो अपनी बहू को ले आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। इसको किस तरह से देखते हैं? इसको देखिए, पुराने कैंडिडेट को रेफर करना चाहिए था, लोग नहीं किए हैं, उसको थोड़ा सा मतलब अनदेखी किया गया उनका। हाँ, ये होना चाहिए था, है ना, चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, और देखिए बहुत बैलेंस करके इन्होंने कहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है ना। क्या भैया कैसे हैं? भाभी जी फिर मैदान में आ गई है। अरे धनबाद में मिले थे हमसे, पुराना बाजार में। अरे पुराना बाजार में, वाह वाह। और फिर अभी साक्षी बाजार में, है ना। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप तो धनबाद के आदमी। हाँ हाँ, कुछ काम से आए हुए हैं। काम से आए हैं? हाँ। तो यहाँ पहले भी आए हैं? नहीं, रेगुलर आते रहते, रेगुलर आते रहते हैं। रेगुलर कुछ 5 साल में कोई परिवर्तन दिखा है यहाँ पे? ऐसा विशेष कुछ परिवर्तन तो नहीं दिखा है। बाकी झारखंड सरकार कैसी लगती है? अभी तो हम आएंगे तो आपसे पूछेंगे वहाँ भी। हाँ, लेकिन यहाँ भी पूछ रहे हैं कैसा रहा यहाँ का, मतलब 5 साल कैसा काम की सरकार? मिला जुला रहा। आया आया तो सब इलेक्शन के समय में आया है। हाँ।
जिस समय जीत के आए थे उस समय क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? जब इलेक्शन का समय आ गया, एक महीना इलेक्शन बचा है, तब मैया सम्मान योजना आ रहा है, तो हम 2100 रुपया देंगे, तो हम 2500 रुपया देंगे, तो हम 1000 देंगे, थोड़ा लग गया पैसा देने का, किसका पैसा है? कहीं से आदमी का विदाई होने लगता है तो आदमी सोचता है कि क्या क्या सामान छूट रहा है, सब बटोर लिया जाए, जरूर जरूर, है ना? तो वो भी तो होता है। तो अच्छा अब ये बताइए कि इतना सारा जो कहा जाए नेता लोग वादा करते हैं, तो हम लोग 5 साल पीछे चले जाते हैं, उसमें से अगर मान लीजिए 10 अगर हम नंबर देना चाहे तो 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 4 ही नंबर देंगे। 4 ही नंबर दिए? अरे बाप रे, पासिंग मार्क्स मतलब बस दे के छोड़ दीजिएगा, बस 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 पासिंग मार्क्स। तो ये 6 नंबर किस बात के लिए कट गया? खुश नहीं है? खुश नहीं। क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? व्यवस्था सब सही है और क्या, सरकार काम कर रही है आप लोगों के लिए? अरे यार 10 में से 6 तो कर रही है, 4 तो सबको ही, सरकार वैसी होती है सब जगह वैसी हाल है, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, जेएमएम है, कोई 10 में से 6 काम होता है। आप अच्छा ये बताइए, आपने बिल्कुल एक बड़ा अच्छा बात, हम निकल ही रहे थे लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा बात कह के हमको रोक लिया कि कोई भी सरकार आए लेकिन रहती वैसी ही है। किस तरह के नेता की जरूरत अभी राष्ट्र को है? हम चलिए राज्य की बात भी नहीं करते हैं, राष्ट्र को है। बस जैसा काम मोदी जी कर रहे हैं कि हम अगर 10 में से नंबर देने कहें आपको सरकार को उनके काम के आधार पर, तो 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 7 नंबर दूंगा। 7 नंबर दीजिएगा, वाह क्या बात है। क्या क्या काम आपको अच्छा लगा इस 5 सालों में? कुछ कुछ योजनाएं भी अच्छी अच्छी चली है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का भी काम हुआ है। अभी अभी इस बार जो आपके परसेंट में इसलिए काट रहा हूँ कि कहीं के में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया उसको उसने सर्विस नहीं दिया है। तो देखिए कि यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि हम लोग जितने लोगों से बात कर रहे थे, और ये पूरा जमशेदपुर हम आपको दिखा रहे थे, घुमा रहे थे, और इसके बारे में आपको बता रहे थे, यहाँ पर लोगों की राय बता रहे थे, यहाँ पर कैंडिडेट की क्या स्थिति है वो बता रहे थे, काम का हिसाब ले रहे थे। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे, हमने महसूस किया लोग जो है, जनता जो है वो मिली जुली राय रखती है, और कुछ भी कहने से पहले और कुछ भी किसी को भी वोट देने से पहले जो है वो बहुत सोचती समझती है। तो हम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि सच में इतना ही सोचकर और समझकर वोट देना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे ढेर सारे नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ, नए मुद्दों के साथ और एक नई जगह के साथ। फिलहाल बाय बाय।